गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 15 आवर बॉडी फॉर स्टैंडर्ड थर्ड इन ईवीएस. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन इट. सी द पिक्चर. यू कैन सी, कैन यू टेल व्हाट आर दिस चिल्ड्रन डूइंग इन द पिक्चर, व्हाट दे आर डूइंग. कैन यू टेल विच पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर दे यूजिंग, व्हाट दे आर डूइंग फॉर दैट थिंग, विच पार्ट ऑफ द बॉडी दे आर यूजिंग. जो वो लोग बच्चे लोग कर रहे हैं उसके लिए बॉडी का कौन सा पार्ट वो लोग यूज कर रहे हैं. पॉइंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉय बॉडी नेम बिलो. और कुछ नाम दिए हुए, फोरहेड, चेक, नोज, ईयर, टमी, चेस्ट, आर्म, रिस्ट, पाम, थाई, नी, फुट. अब ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ पर है, आपको पॉइंट करना है. स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, द हेड, टॉर्सो, आर्म्स, लेग्स, द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये सब क्या है, मेन पार्ट्स है. द हेड, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो. जो हमारा ये जो बीच का बॉडी है उसको टॉर्सो बोलते हैं, और इसी से हैंड्स जॉइंट है, इसी से लेग्स जॉइंट है, और हेड भी जॉइंट. द हेड इज कवर्ड विथ हेयर. ये तो हम बचपन से हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि हेड क्या है, बाल से कवर किया हुआ है. बिलो द फोरहेड आर टू आईज विथ आईब्रोज एंड आई लैशेज. दीज आर द आई लैशेज. ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द आर द ईयर. और इधर क्या है, साइड में क्या है, ईयर है. और फ्रंट में क्या है, नोज है. नोज के नीचे क्या है, माउथ है. इसके नीचे चिन. द पार्ट दैट जॉइन द हेड टू द टॉर्सो इज द नेक. टॉर्सो से हेड को जॉइंट करने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नेक. देन यू कैन सी इन द पिक्चर नेक, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन, थ्रॉट. टॉर्सो में क्या क्या आता है, द चेस्ट, एब्डोमेन and the back together make up the torso. The part where the arm is joined to the torso is called the shoulder. जहाँ से arm torso में joined होता है उसको क्या बोलते हैं, shoulder. और जहाँ से leg joined होता है उसको बोलते हैं hip joint. Now parts of the arm. Arm के जो parts है उसका क्या है, upper arm, elbow, forearm, wrist, palm, hand, fingers. ये सब क्या है, parts of the arm. लेग्स के क्या पार्ट है, थाई, नी, शंख, एंकल, टोज, फुट. द आर्म हैज थ्री पार्ट्स, द अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड. द फिंगर्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द हैंड, सॉरी आर द पार्ट्स ऑफ द हैंड. द अपर आर्म एंड द फोर आर्म आर जॉइंट टू द एल्बो. द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइंट टू द रिस्ट. ऐसा ही पैर के साथ है. क्या है लेग के साथ, द लेग टू हैज थ्री पार्ट्स, थाई, शैंक एंड फुट. टोज आर द पार्ट ऑफ द फुट. द थाई एंड शैंक आर जॉइंट एट द नी. द शैंक एंड फुट आर जॉइंट एट द एंकल. नाउ न्यू टर्म्स, क्या क्या नया टर्म है हमको वो पॉइंट करना है. ऑर्गन, अ पार्ट ऑफ द बॉडी डेट इज यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पज. वी यूज आवर लेग्स फॉर वॉकिंग, सो लेग्स आर ऑर्गन्स. वी यूज आवर ईयर्स फॉर ईयरिंग, सो ईयर्स आर ऑल्सो आर ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, लेग्स, आर्म्स, ईयर्स एंड नोज आर आर ऑर्गन्स. ये सब बाहर है, दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एज दे आर एक्सटर्नल. जो बॉडी के अंदर है उसको बोलेंगे इंटरनल, जैसे हमारा हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now movements of the body. Try to bend a foot stick. Can you do so? Why not? Wooden stick को आप bend करने की कोशिश करो. Suppose that our legs and arms also could not bend, would be able to move, make a movement. अगर हमारे legs और hands भी ऐसे ही रहते खड़े तो हम लोग सोते भी कैसे, ऐसे हाथ रख के सोते, right? पैर भी ऐसे सीधा ही होता हमेशा, कभी वो turn नहीं होता, ना चल पाते हम. Stand in front of the mirror and move your neck and shoulder. देखो आप मिरर के सामने खड़े रह के आप ऐसे 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 सब जगह जाके देख सकते हो. द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. इट टर्न्स लेफ्ट और राइट, इट ऑल्सो बेंड्स लेफ्ट और राइट. आर्म्स, वी कैन बैंड अवर आर्म्स एट द शोल्डर, एल्बो एंड रेस्ट. द फिंगर्स ऑफ अवर हैंड्स कैन बैंड टू. दैट इज वाई वी कैन मेक अ फीस. वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ अवर हैंड. We use our hands to write and pick up things. Mother shapes a laddu with her hands. Baby holds the rattle in her
देखो हमारे फिंगर्स भी कैसे ऐसे ऐसे जाते हैं, हम कोई चीज़ ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे नहीं होगा अगर, तो आप लड्डू भी नहीं बना सकते। देखो लड्डू ऐसे बनते ना, फिर आपको भी आप वो चीज़ ऐसे ऐसे प्रेस करके आप स्टिक करते हो, तो फिर हमारा जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, फिस्ट से होता है। हमारे हाथ में भी बहुत सारा फिस्ट मूवमेंट है। वेस्ट, वी कैन बैंड आवर टॉर्सो ओनली एट द वेस्ट, पूरा जो बॉडी होगा कमर से ही बैंड होता है, हम उसको आगे बैंड कर सकते हैं। और ये बहुत ये बैंड होने की वजह से कोई भी चीज़ नीचे से उठाना बहुत इजी हो जाता है, अंडरस्टूड। या फिर शूलेस टाई करना, या फिर कोई गेम खेलना। लेग्स, हाँ लेग्स कैन बैंड एट द हिप जॉइंट, लेग्स कहाँ से बैंड होते हैं, हिप जॉइंट से बैंड होते हैं। द नीज एंड द एंकल्स, आर टोज टू कैन बैंड बट नॉट एज मच एज फिंगर्स, टोज भी कैसे ऐसे होते हैं ना देखो पैर के, बट फिंगर्स ज़्यादा होते क्योंकि फिंगर्स लंबे होते हैं। और हम बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे पैर को यूज़ करते हैं, खड़े रहने के लिए, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, कहीं चढ़ने के लिए, कहीं से उतरने के लिए, जंप करने के लिए, हॉप करने के लिए, ओके। और कुछ मशीन्स भी क्या होती है, पैर से ही चलती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है देखो हमारे। वन डे यू डिसाइडेड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक, सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय द साइंस। देखो ये आपको करने के लिए बोला है, आपको क्या बोला है, एक दिन आप सब डिसाइड करो कि मैं एक दिन बात नहीं करूँगा और सिर्फ इशारे में बात करूँगा, तो आपको कौन सी चीज़ के लिए कौन सा इशारा करना पड़ेगा और वो इशारा करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। यू वॉन्ट अ बॉक्स फ्रॉम अ वेरी हाई शेल्फ वेयर यू कैन योर हैंड कैन नॉट रीच, यू कैरी आउट एनी टास्क यू कैन चूज वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ डूइंग इट, यू कैन नॉट यूज द यूजुअल मेथड, यू कैन गेट समवन हेल्प टू, और यू कैन यूज सम स्पेशल डिवाइस, समबडी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग देन फॉर ऑल पॉसिबल हेल्प। देखो कभी कभी बॉक्स बहुत ऊपर रखा होता है, सामान ऊपर होता है, तो वहाँ से उतारने के लिए हमको टेबल लेना पड़ता है, हमारे हाथ में जाते हैं या किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, अंडरस्टूड। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं पर हमको क्या करना होता है, उसको कोई और तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई तरीका एक्सेप्ट कर लेते हैं। देयर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ओके, और सबके बॉडी पार्ट्स क्या है, सेम है, सबके पास दो आँखें, दो नाके, दो कान है, सॉरी नोज एक ही है, चिन है, टीथ है, लिप्स है, देन हेड है, टॉर्सो है, लेग्स है, देर आर मैनी 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 थिंग्स, बट बहुत सारी चीज़ है हमारे पास, बट क्या होता है, हो जाता है सब लोग एक जैसे दिखते हैं, सबका जो क्या है शेप अलग होता है, वेट अलग होता है, बाल का शेप अलग होता है, काफ़ी और फीचर्स भी क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। बाय बाय।